मैं हूं आपके साथ मेघा. अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम इन विच वी विल टॉक अबाउट कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13. एज यू ऑल नो, बिग बॉस सीजन 13 काफी ज्यादा बस क्रिएट कर रहा है. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम शो में कई ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट लाए गए हैं जिनका जिक्र भी आज से पहले कभी नहीं हुआ. एलाइट क्लब का जिक्र कर लीजिए, अपोजिंग कैप्टन का जिक्र कर लीजिए, या फिर टास्क जीतने के बाद दीपिका पादुकोण के साथ कंटेस्टेंट्स के बाहर जाने की चर्चा कर लीजिए. काफी कुछ इस सीजन में ऐसा हो रहा है जो आज से पहले नहीं हुआ. और इन सबके बीच में सबसे खास बात ये निकल कर सामने आती है कि बिग बॉस की कंटेस्टेंट्स रश्मि देसाई, सिद्धार्थ शुक्ला, शेफाली बग्गा, आरती सिंह, मधुरिमा तुली, शहनाज गिल, आसिम रियाज, विशाल आदित्य सिंह, पारस छाबड़ा, माहिरा शर्मा, ये सब अपने आप में कई तरह के विवादों को जन्म दे चुके हैं घर के अंदर पर्सनल कमेंट्स करके. हम आपसे बात करेंगे रश्मि देसाई के बारे में, क्योंकि रश्मि की पर्सनल लाइफ के चर्चे फिलहाल कुछ ज्यादा ही सुनने में आ रहे हैं. रश्मि की पर्सनल लाइफ को लेकर खबरें कुछ ज्यादा ही सुनने में आ रही हैं. रश्मि देसाई जो हैं वो टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. उतरन और दिल से दिल तक जैसे शानदार सीरियल्स की जान रह चुकी हैं. दबंग 2 में सलमान खान के साथ नजर आ चुकी हैं. सलमान खान रश्मि देसाई के काफी ज्यादा करीब भी हैं. ऐसे में जब रश्मि की पर्सनल लाइफ इतना ज्यादा बस क्रिएट करती है तो लोगों के बीच उत्सुकता बढ़ती है. नंदिश के साथ रश्मि की टूटी हुई शादी को लेकर ऑलरेडी लोग काफी कुछ जानना चाहते हैं, और उसी से जुड़ी एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, देखिए जरा. फेमस रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 की कंटेस्टेंट रश्मि देसाई के कई चाहने वाले हैं जो उन्हें लगातार फॉलो कर रहे हैं. रश्मि देसाई के चाहने वाले उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, यस रश्मि, यू कैन विन दिस सीजन. एज यू ऑल नो, थ्रू आउट द सीजन रश्मि देसाई कई बार काफी ज्यादा इमोशनल होती हुई नजर आई, कई बार रश्मि देसाई काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान भी नजर आई हैं. रश्मि देसाई काफी ज्यादा रोती हुई भी नजर आई हैं, और अरहान ने जब उन पर प्यार दिखाया तो वही रश्मि काफी ज्यादा खुश भी नजर आई है. अब इन सबके बीच में रश्मि देसाई की निजी जिंदगी किस तरह से हर जगह चर्चे बटोर रही है सब जानते हैं. नंदिश संधू के साथ रश्मि की शादी किस तरह से टूटी हर कोई जानता है, और टूटी हुई शादी के बाद भी जब लोग नंदिश से रश्मि को लेकर सवाल करते हैं तो यहाँ पर लोग ये जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर नंदिश ने क्या कुछ कहा. तो आपको बता दें, हाल ही में नंदिश से बिग बॉस सीजन 13 को लेकर सवाल किया गया. नंदिश संधु से पूछा गया कि आप क्या बिग बॉस को फॉलो कर रहे हैं, रश्मि देसाई के गेम पर आप क्या कहेंगे, अरहान के साथ जो उनका रिश्ता निकल कर सामने आया है उस पे आप क्या कहेंगे. ज्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि नंदिश जो हैं वो ये सवाल सुनकर भड़क जाएंगे या उन्हें ये सवाल सुनकर गुस्सा आ जाएगा, लेकिन हैरानी होगी आपको जानकर कि नंदिश गुस्से में नहीं आए. यहाँ पर नंदिश ने बहुत ही ज्यादा शांत तरीके से मीडिया के सवालों का जवाब दिया. नंदिश ने शांत तरीके से यहाँ पर कहा कि उन्होंने बिग बॉस का सीजन नहीं देखा. उन्होंने सवाल पूछ रहे रिपोर्टर को ये विश्वास भी दिलाया कि अगर मैंने सीजन देखा होता तो मैं आपके सवाल का जवाब जरूर देता. यहाँ पर नंदिश ने काफी ज्यादा प्यार के साथ ये कहा कि अगर मैंने ये सीजन देखा होता तो मैं इस सवाल का जवाब देकर आपको जरूर बताता, लेकिन अफसोस मैंने ये सीजन देखा ही नहीं है, इसलिए मैं नंदिश के आधार पर रश्मि के गेम पर कोई कमेंट नहीं करूंगा. बता दे आपको, नंदिश का एक इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है पुराना, और इस पुराने इंटरव्यू में रश्मि देसाई के गेम प्लान पर वो बात नहीं कर रहे. इस पुराने इंटरव्यू में वो रश्मि देसाई को लेकर कह रहे हैं कि मैंने कभी रश्मि को घर से नहीं निकाला, रश्मि खुद मुझे छोड़कर गई है. नंदिश कह रहे हैं कि रश्मि अगर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है तो मुझे भी इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है. तलाक के बाद रश्मि और नंदिश के जितने चर्चे नहीं हुए वो अब हो रहे हैं. तलाक के बाद रश्मि और नंदिश को लेकर जितनी खबरें नहीं आई वो अब आ रही हैं, क्योंकि अब हर कोई इनके बारे में जानना चाहता है.
अब हर कोई इनके बारे में बात करना चाहता है, अब हर कोई इनसे जुड़ी बातें जानना चाहता है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर, रश्मि और नंदिश की कंट्रोवर्सी को लेकर, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इनका ये टूटा हुआ रिश्ता, इनकी टूटी हुई शादी हर जगह चर्चे बटोर ही रही है। वेल, नंदिश तो अपने इंटरव्यू में इतना कुछ कह चुके हैं, लेकिन रश्मि देसाई ने सिर्फ इतना कहा था, मैं चाहूं तो काफी कुछ बोल सकती हूं, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती। रश्मि ने नंदिश के बारे में आज तक कुछ नहीं कहा और अब नंदिश भी फिलहाल टूटी हुई शादी को रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए ही जस्ट रिफ्यूज्ड टू से अ सिंगल वर्ड रिलेटेड टू बिग बॉस। मूविंग ऑन टू अनदर अपडेट, रश्मि देसाई के गेम प्लान को लेकर लोग अब तक सोच रहे हैं कि वो रियल कर रही हैं या फेक कर रही हैं। हम आपके सामने रश्मि के कुछ करीबियों के बयान लेकर हाजिर हैं, उनके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनाएंगे और उनके इंटरव्यू सुनकर आप जान पाएंगे रश्मि का गेम फेक है या रियल। टेक अ लुक। रश्मि देसाई के गेम प्लान को लेकर लोगों के मन में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। रश्मि के गेम प्लान को लेकर फिलहाल लोग काफी कुछ जानना चाहते हैं। ये गेम प्लान कितना हद तक सही है, किस हद तक इस गेम प्लान पर यकीन किया जाए। हम आपको कुछ इंटरव्यूज सुनाने जा रहे हैं। ये इंटरव्यूज रश्मि देसाई के बेहद करीबी दोस्त के हैं, रश्मि देसाई के राखी भाई के हैं। जब इन सबसे रश्मि के गेम प्लान को लेकर सवाल किए गए तो इन्हें यकीन नहीं हुआ कि बिग बॉस के घर में रश्मि ऐसा खेल खेल रही है। इन्हें यकीन नहीं हुआ कि बिग बॉस के घर में रश्मि देसाई की हालत ऐसी हो गई है। रश्मि देसाई के भाई मृणाल यहाँ काफी ज्यादा अपसेट नजर आए, काफी ज्यादा परेशान नजर आए और उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं बिग बॉस का ये सीजन फॉलो ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बिग बॉस का ये सीजन देख ही नहीं रहा हूँ। क्या कहते हैं रश्मि देसाई के ये करीबी दोस्त उनके गेम प्लान पर, उनके करीबियों का रिव्यू क्या है, सुनिए जरा। इनको मैं जानती हूँ, वो वैसी नहीं है। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में, जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रही है ये सिर्फ वही जान सकती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि रश्मि को ना खुद की गेम खुद खेलनी चाहिए। वो कभी अरहान, कभी देवोलीना, मुझे रश्मि का एक सबसे बुरा डिसीजन ये लगा था कि जब डिलीवरी वाला टास्क हुआ तो उसने खुद का स्टैंड नहीं लिया था, उसको खुद का स्टैंड लेना चाहिए था। उसके बाद से री एंटर जब से वो हुई है, उसको वो क्या कर रही है थोड़ा नहीं समझ आ रहा, क्योंकि जिस रश्मि को मैं जानती हूँ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट, अपने खुद के डिसीजंस रियल लाइफ में खुद लेने वाली लड़की है। सो मैं उस रश्मि को देखना चाहती हूँ बहुत जल्दी। अभी बिग बॉस भी सब जगह छाया हुआ है, सो आप कितना फॉलो कर रहे हैं? मैं बहुत कम फॉलो करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में जब फॉलो कर रहा था थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था रश्मि की चीज़ों से लेकर, तो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था मैं और टीवी बंद कर दिया था मैंने देखना। अच्छा नहीं लगा था कि नेशनल टीवी पे कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई थी जो मुझे पता नहीं थी या मुझे पता होनी चाहिए थी पहले। तो देखते देखते ऐसे लगा कि यार शो हो रहा है, पर्सनल लाइफ उछाली जा रही है, बैंकरप्टसी वाली बात, ये सब थोड़ी सी डिस्टर्ब कर गई मुझे, इसलिए मैंने देखना बंद कर दिया था। सो घर में सबसे अच्छा प्लेयर कौन आपको लग रहा है? एक्चुअली है तो सभी प्लेयर, बट जब जो विनर डिक्लेयर होगा समझ में आएगा कि वो अच्छा प्लेयर था। ओके, टॉप 3 आप किसको मानते हैं? सिद्धार्थ, रश्मि और असीम। लास्टली आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं फैंस से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, आगे भी दीजिएगा और मैं आपके हर उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, इस बात का आपको आश्वासन दे सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। नंदिश भले ही कुछ ना कहें, लेकिन रश्मि से जुड़े हुए लोग हैं जो खुद हैरान हैं रश्मि का ये बर्ताव देखकर। सो गाइस, बीबी रिव्यू में आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। वी विल मीट यू गाइस सून विद सम मोर एक्साइटिंग अपडेट्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू अस एंड स्टे अपडेटेड।
बाय।